बहुत बढ़िया फिल्म है, एकदम हार्ट अटैक आ जाएगा आपको देख के। बहुत अच्छे एक्शन हैं, BGM बहुत हार्ड है, मतलब आप सुनोगे तो और इस थिएटर में तो अलग ही मज़ा है। ऑसम, बहुत बढ़िया। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, लाइक पैसा वसूल है, वेटिंग फॉर पार्ट टू, उसमें एक्शन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, स्पेशली वो पाकिस्तानी टेररिस्ट, तो भाई साहब वो नेक्स्ट लेवल क्यूट। It was a good movie. I would, as I said, 4 out of 5. It was a really good movie, and it was something that I've seen John acting in different movies, but this was one of his best ones that I've seen in some time. It was really nice. Like I enjoyed the movie. Super movie hai, Hollywood level ki movie banayi hai. Overall, this movie is based for the artificial commandos hybrid wars ke baare mein dikha hai. Right now, that's Ukraine or Russia. How the hybrid wars are going on in the world right now. And how the one army man can fight with 1,000 people there. मुझे अटैक मूवी अच्छी लगी, बट इन बिट्स एंड पार्ट्स। ओवरऑल अगर मैं देखूं तो नैरेटिव थोड़ा वीक हो गया। जॉन का या जैकलिन का किसका सबसे ज़्यादा? सबका अच्छा था, रकुल का भी अच्छा था, जॉन का तो बेस्ट था और जैकलिन का भी अच्छा था, और प्रकाश राज सर ऑसम थे, सबका अच्छा था। John Ibrahim, of course. And yeah, that Ira also. Ira is amazing. Scientist also. Scientist. Rakul Yeah. सबका अच्छा है, क्योंकि मैं तो क्रेडिट देना चाहूँगा जिसने क्या कहते हैं एक्शन सीन्स बनाए, डिज़ाइन किए, और DOP जो है जिसने कैमरा संभाला, बहुत हार्ड, बहुत प्यारा काम है। जॉनी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत। फिर सेकेंड पे मुझे पाकिस्तानी एक्टर था उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, बहुत ही अच्छी मूवी थी। लाइक आई लाइक हामिद, he was a good actor, and even John as well, obviously being in an action film he knows how to do his work properly, but there were some standout actors that I liked, which was Amit. John Ibrahim ki baat ki jaye to unka action scenes yaar काफ़ी पसंद आएगी आप लोगों को। उन्होंने पिछले जो फिल्में दी हैं सत्यमेव जयते 2 और मुंबई सागा, मेरे को नहीं लगा था कि अब जॉन इब्राहिम कुछ ऐसी फिल्में देने वाली, लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मेरे को ऐसा लगा यार जॉन इब्राहिम ऐसी फिल्में करनी चाहिए उनको। रुकुल प्रीत, प्रकाश राज की काम अच्छा लगा मेरे को, जैकलिन का काम थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था, बट कोई टेंशन नहीं है उनका, जो भी हुआ जितना भी अच्छा उन्होंने अच्छा ही किया, सुपर किया उन्होंने। जॉन इब्राहिम ने पूरी अच्छी तरह से डिलीवर किया। फर्स्ट हाफ में वो जाता है उड़ी में, जैसे मूवी में अटैक करते हैं से जाता है POK में जाके हमला करना, पूरी तरह से वो डिलीवर किया। फिर सेकेंड हाफ में आप पार्लियामेंट में जा रहे हो अटैक करो, था आपके पास पूरी चारों तरफ से टेररिस्ट घिरे हुए, उसके बीच में जाके बंडा फाइट कर रहा है, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं बचा रहा, साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर रहा है, सेफ्टी द हॉस्टाइल है सबको बचा रहा है, और एक लव केमिस्ट्री जो जिसमें दिखाया है जैकलिन फर्नांडिस का, हाउ द आर्मी मैन हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर अ लव ऑल्सो, ये भी दिखाया है। और जैकलिन फर्नांडिस जो किस होने का जो सीन है, स्लिप होकर किस हो रहा मिस्टेकली फ्लाइट के अंदर, जो प्यार करने का अच्छी तरह से, इट्स वेरी गुड मूवी है। मुझे जैकलिन का बहुत अच्छा फ्लो में रोल अच्छा लगता है, शी डज अ रोल क्वाइट एफर्टलेसली, शी इज़ वेरी क्लासी, शी हैज़ गॉट अमेजिंग स्क्रीन प्रेजेंस, और रकुल प्रीत सिंह इज़ ऑल्सो वेरी गुड एक्ट्रेस, सो उनका एक डॉक्टर का रोल है तो वो, और देन स्टार ऑफ द मूवीज जॉन, बिकॉज एक्शन, ही इज़ एन एक्शन हीरो एंड एक्शन सीन्स आर हिज फोर्टे, सो ही हैज़ डन फुल जस्टिस टू द मूवी, बट नैरेटिव वीक पर गया, स्टोरी भी उनकी है तो इट कुड हैव बीन बेटर। अच्छा वैसे मूवी थोड़ी सी रोबोटिक साइंटिफिक है जी, नहीं इतना कोई हार्ड नहीं रखा गया कॉन्सेप्ट कि इसमें ऐसा ऐसा कुछ है, बहुत सिंपल तरीके से बताया गया, कोई आम आदमी जिसको नॉलेज नहीं है साइंस के उसको भी समझ में आएगा, तो बहुत बहुत एंटरटेनिंग फिल्म है और ज़रूर देखनी चाहिए। या आई लाइक द आइडिया एंड लेट्स सी नाउ, देयर आर लाइक एक्चुअली द एंड वाज गुड, सो होपिंग फॉर दी सीरीज टू कम। VFX, आई थिंक VFX इज, जॉन ने कहा भी था कि हॉलीवुड लेवल के, एंड इट मैचेस अप टू दैट लेवल, तो VFX बहुत अच्छे हैं और सम सीन्स आर रियली स्टनिंग, but I enjoyed it in bits and parts. Overall, if I have to rate it, you know, because of the narrative, it falls flat. अगर 5 स्टार ऐसे आपको अगर देना है, 4.5. इस मूवी को मैं 3.5 करूँगा। Out of 5, I'll give 4.7. John को 4 stars because he has done justice to his role and he has a very refreshing look. Even at this age, he has maintained himself so well. But overall, movie को 2.5.